हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेंसिटिविटी पे डिस्कस करेंगे। तो सेंसिटिविटी क्या है बेसिकली? देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज आउटपुट सिग्नल पर यूनिट इनपुट सिग्नल। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब वो वोल्टमीटर हो चाहे एमीटर हो, तो वो करंट या वोल्टेज मेजर करता है। तो जब मान लीजिए वोल्टमीटर जो है वोल्टेज मेजर करता है, तो अपन इनपुट वोल्टेज देंगे मेजर करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट आउटपुट डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो पर यूनिट इनपुट सिग्नल आउटपुट क्या दिखाता है, वो एक तरह से सेंसिटिविटी कहलाएगी। यूनिट इनपुट सिग्नल अगर अपन देवें, जैसे 1 वोल्ट देवें, तो आउटपुट में डिफ्लेक्शन कितना दिखाएगा, तो वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। अगर ज़्यादा दिखाता है डिफ्लेक्शन तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर डिफ्लेक्शन कम दिखाता है तो सेंसिटिविटी कम होगी। तो इस तरह से जो है हम सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। सेंसिटिविटी को अपन जैसे मान लीजिए, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो आउटपुट डिफ्लेक्शन पर यूनिट इनपुट वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन को अपन डिविजन्स में या डिग्री में लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट डिफ्लेक्शन देगा तो डिविजन्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल की फॉर्म में लिखे तो। और इनपुट सिग्नल क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी आउटपुट डिफ्लेक्शन अपॉन पर यूनिट इनपुट वोल्टेज, ये कहलाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी या वोल्टमीटर सेंसिटिविटी कह सकते हैं इसको। उसी तरह से अपन वोल्टमीटर सेंसिटिविटी एक दूसरे फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं 1/IFSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब यूनिट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए क्या आउटपुट होगा, और इसको अपन यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो यूनिट है 1/करंट, मतलब वोल्टेज नीचे आएगा ऊपर ओम आ जाएगा, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपॉन ओम होता है। तो ये डिनोमिनेटर में, इसलिए जब इसका रिवर्स करेंगे तो ओम अपॉन वोल्ट्स हो जाएगा। तो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी अपन इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक दूसरी सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है वोल्टमीटर के लिए। तो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। उसी तरह से करंट सेंसिटिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट डिफ्लेक्शन पर यूनिट इनपुट करंट। तो आउटपुट डिफ्लेक्शन डिविजन्स में होगा या डिग्री में हो सकता है, और इनपुट करंट एम्पियर में होगा। तो ये करंट सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे एमीटर की करंट सेंसिटिविटी को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी बेसिकली ये बताती है कि मिनिमम इनपुट सिग्नल अपन दे रहे हैं तो आउटपुट कितना ज़्यादा वो दे सकता है, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि आउटपुट ज़्यादा ज़्यादा दिखाए एक पर्टिकुलर यूनिट इनपुट सिग्नल के लिए तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, और अगर आउटपुट कम दिखाता है तो सेंसिटिविटी कम होगी। इनपुट सिग्नल अपन यूनिटी की फॉर्म में लेते हैं, अगर करंट है तो 1 एम्पियर और वोल्टेज है तो 1 वोल्ट की फॉर्म में लेते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन है करंट सेंसिटिविटी की, और अपन जब पढ़ेंगे अब इस सब्जेक्ट में तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की टर्म्स में इसको पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।